सर हम सब लोग यहाँ पे रिफ्यूजीज हैं जो अफगानिस्तान से आए, कोई यहाँ पे 4 साल से 5 साल से 10 साल से 15 साल से, हर कोई यहाँ पे। यहाँ पे जो यूनिसीआर ऑफिस है यहाँ पे, ये हर किसी को, ये अभी तक बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो विदाउट डॉक्यूमेंट है, जिनको यहाँ पे रिफ्यूजी डॉक्यूमेंट मिला ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब जितने भी यहाँ पे अफगानिस्तान से लोग आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि यहाँ पे रिफ्यूजी बने, सिर्फ यूनिसीआर हेल्प के लिए आते हैं, यहाँ पे किसी और के हेल्प के लिए नहीं आते कि यहाँ पे यूनिसीआर इनको डॉक्यूमेंट दे दे। यूनिसीआर का काम यह है कि अफगान जितने भी यहाँ पे आते हैं रिफ्यूजी के लिए, इनको डॉक्यूमेंट दे दे, यहाँ पे इनके बच्चों को स्कूल पढ़ाए, यहाँ पे इनको काम वगैरह दे दे, पैसे दे दे, या फिर तो कुछ हेल्प कर दे जो यहाँ पे ये लोग सर्वाइव कर पाए। लेकिन जो यूनिसीआर है यहाँ पे किसी को हेल्प नहीं कर रहा है। अभी मैं खुद यहाँ पे इतने सालों से यहाँ पे हूँ, मेरे को यहाँ पे एक सर्टिफिकेट दिया हुआ है जिसके थ्रू मैं सिम कार्ड भी नहीं खरीद सकता। वो वहाँ पे अगर मैं जाऊँगा पूछूंगा बोलूंगा मेरे को अभी तक रिफ्यूजी क्यों नहीं बना, मेरे को यहाँ पे अगर मैं उसके साथ जाऊँगा मैं रेंट के घर पर घर भी रेंट के लिए भी नहीं ले सकता, घर में रेंट भी ले लूंगा, यहाँ पे घर का रेंट मेरा घर का रेंट 10,000 रुपया, और यहाँ पे मैं बाहर जाऊँगा जॉब कह रहे हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है हम कोई जॉब नहीं देंगे आपको, यहाँ पे छोटा मोटा काम यहाँ पे अगर करेंगे उसके लिए भी अलाउ नहीं होता है, कह रहे हैं आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। यूनिसीआर के पास आते हैं कह रहे हैं अभी आपको वेट करना है, कितने सालों से यहाँ पे लोग 15 सालों से वेट कर रहे हैं, किसी का कुछ पता ही नहीं है, कुछ किसी को हेल्प ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे बच्चे कितने सारे फैमिली हैं, यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, सारे अनएजुकेटेड है, किसी कोई पढ़ाई ही नहीं करता कुछ भी, मतलब किसी को स्कूल वगैरह एडमिशन नहीं मिलता है क्योंकि किसी के पास है ही नहीं, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है।